हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए बात करते हैं राजा साहब मूवी के बारे में। कल कुछ ऐसा हुआ है जिसे देख करके बड़ा ही हंसी आया मुझे, आईएमडीबी और डायरेक्टर मारुति के साथ। आईएमडीबी राजा साहब मूवी का प्लॉट, उसकी कहानी को लेकर के कुछ लिखा है अपने साइट पे, जिसे लेकर के डायरेक्टर मारुति एकदम से रिएक्शन दिए हैं कि ये किस तरह की कहानी है, ये किस तरह की प्लॉट है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा क्यों किया गया है, ये कैसी साजिश है, इस तरह की उनका रिएक्शन आया है ट्विटर पे, वो ट्वीट किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आईएमडीबी क्या लिखा है। आईएमडीबी लिखा है कि इस फिल्म में एक कपल है, दोनों को प्यार हो जाता है और वो दोनों अपनी किस्मत को बदलने के लिए नेगेटिव एनर्जी, मतलब फिल्म का जो जेनर है वो हॉरर कॉमेडी है ना, तो वही हॉरर के हिसाब से हॉरर है तो नेगेटिव एनर्जी तो होगा ही जरूर। ओके, तो नेगेटिव एनर्जी के साथ वो लोग जुड़ते हैं उस, और इस तरह की कुछ वो लिखा है, मतलब लव स्टोरी और हॉरर ऐसा कुछ लिखा है। तो उसे डायरेक्टर मारुति एकदम से बड़े ही गजब किस्म का रिएक्शन दिए हैं कि ये क्या है, किस तरह की साजिश है, क्या है, बिना जान करके कोई ऐसे स्क्रिप्ट को कैसे लिख देता है, ऐसे स्क्रिप्ट के साथ मैं काम नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है कि कोई भी किसी भी मूवी को उठा करके किस तरह का नरेशन, और वो भी आईएमडीबी जैसा। ओके, और जो प्लॉट, जो कहानी राजा साहब मूवी को लेकर के बहुत पहले से फेमस है, जो हमारे पास पहुंची है, वो तो कुछ अलग है, एकदम अलग है। और वो कुछ ऐसा है कि राजा साहब मूवी में एक थिएटर के इर्द गिर्द फिल्म घूमने वाली है और वो थिएटर का मालिक डार्लिंग प्रभास होने वाले हैं। कुछ ऐसा है, लव स्टोरी का यहाँ पे दूर दूर तक नाता नहीं है, कुछ ऐसा है। तो देखते हैं क्या होगा यार, ये तो बहुत बड़ी सरप्राइज है। वो तो मतलब डायरेक्टर मारुति को भी पता होगा, और ऐसे ही एक लव स्टोरी होगा, लव स्टोरी के साथ एक फिर आत्माओं के बास, ये सारा चीज, नेगेटिव एनर्जी, ये सारा चीज, इतना ही बस, इतने में ही अगर फिल्म कुछ खत्म होने वाली है तो डार्लिंग प्रभास को वो नहीं लेते पहली बात तो, और डार्लिंग प्रभास ऐसे फिल्म में नहीं जुड़ते पहली बात तो। इस फिल्म में कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि बड़े लेवल पे कहानी जाएगी, जो एक बड़े लेवल पे जाएगा, जो कि पैन इंडिया सुपरस्टार जैसा एक हीरो आ रहा है। और लव स्टोरी और उसके बाद हॉरर, लव स्टोरी हो गया दोनों को किसी दो लड़का लड़की को प्यार हो गया और वो लोग अपने प्यार के चलते अपने प्यार को बदलने के लिए या फिर प्यार से चलते कहीं पे जाकर के रह रहे हैं और वहां पे नेगेटिव एनर्जी, आत्माओं का बास, ये सारा चीज, ऐसे तो बहुत सारे हॉरर फिल्म में हम देख चुके हैं, बहुत सारे। ओके, एक एक उठा लो, सारा का सारा वैसा ही है। तो ऐसा ही एक सिंपल कहानी के साथ डार्लिंग प्रभास को वो लेकर के आएंगे, और डार्लिंग प्रभास भी वो भी ऐसी फिल्म में जुड़ेंगे, वो भी बिना फी लिए, और वो भी मतलब इस तरह से, जिस तरह के हम पोस्टर वगैरह देख रहे हैं, जिस तरह का लुक वगैरह देख रहे हैं, ये लुक को देख करके तो वो कहानी भी सूट नहीं कर रहा है कि डार्लिंग प्रभास लुंगी पहन करके आ रहे हैं, एक मतलब एक उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि एक इज्जतदार इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो कि मतलब एकदम से हसमुख, एकदम से सबके साथ मिलने जुलने वाला, और वो सिर्फ अपने प्यार के साथ नहीं मिलेगा बल्कि गांव के साथ मिलेगा, लोगों के साथ मिलेगा, कुछ इस तरह का एक फेमस इंसान की तरह वो लग रहे हैं। ओके, तो वो कहानी तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, और वैसे भी डायरेक्टर मारुति उसे लेकर के एकदम से ये कर दिए हैं, गजब का रिएक्शन भी दिए हैं। तो यार सरप्राइज है यार, बहुत बड़ी। ओके, वेट करते हैं, जो होगा बाद में होगा। मैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली मैं, कि क्या करे हैं और क्या करेंगे। और सच बताऊँ तो डायरेक्टर मारुति के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि डार्लिंग प्रभास जैसे एक पैन इंडिया सुपरस्टार जिसका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, जिसका जनता बहुत ज़्यादा है, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ओके, तो ऐसे हीरो को संभालना, ऐसे हीरो को लेकर के एक ऐसी कहानी के साथ आना, क्योंकि उनकी जो लास्ट फिल्में सारी हैं वो सारी फिल्में अच्छा काम नहीं करे हैं, लोगों को मतलब पसंद नहीं आई है, लेकिन वो सारी चीज़ें ना हमें नॉलेज के हिसाब से पता होती है। ओके, मैं नॉर्थ ऑडियंस हूँ, हैं ठीक है, मैं यहाँ का हूँ, मैं हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता, तो मेरे को नॉलेज से पता चलती है वो सारी फिल्मों के बारे में, ठीक है, और वो सारी फिल्मों के साथ मैं वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन अभी जो ये पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास के साथ फिल्म लेकर के आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा इंडिया, होल इंडिया वाकिफ होंगे उनकी डायरेक्शन से, उनकी फिल्म से। तो कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी बड़ी टास्क है, आप जरा सोचो। आप एक ऐसे हीरो को लोगे जिसकी फिल्म सब लोग देखते हैं, पूरा का पूरा इंडिया देखता है और एक साथ देखते हैं, तो आप अगर कुछ ऐसा प्लॉट लेकर के आओगे, कुछ इस तरह का एक डिसअपॉइंट वाला चीज लेकर के आओगे, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, समझ रहे हो मेरी बात। ओके, तो ये बहुत बड़ी टास्क है, बहुत बड़ी
बहुत बड़ी चुनौती है डायरेक्टर मारुति के लिए। देखते हैं, कुछ तो सोचे होंगे जो इतनी बड़ी काम वो उठाए हैं। और ये उनके लिए ना, सच बताऊं तो मतलब ऐसा है जैसे कि इस फिल्म के साथ वो बहुत ऊपर चले जाएंगे या फिर एकदम नीचे चले जाएंगे, है ना। उनका इमेज थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है, मतलब उनकी जो लास्ट फिल्में हैं वो सारी फिल्मों को ले करके, ओके उनकी जो फिल्में हैं उनका जो फिल्मोग्राफी है उसे ले करके। लेकिन प्रभास मारुति अगर काम कर गया, लोगों को पसंद आ गया, कहानी वगैरह सब कुछ, तो भाई साहब वो इतने ऊपर चले जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। और अगर वो फिल्म अगर लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया, अच्छा नहीं हुआ, तो पैन इंडिया लेवल पे वो सीज होगा, तो उनकी करियर को भी बहुत बड़ी ये है। तो चुनौती बहुत बड़ा है, रिक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है। देखते हैं कुछ तो होगा इसमें जो फील हो रहा है कि भाई मजा आएगा, लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। आपको कैसा लग रहा है भाई राजा साहब मूवी को लेकर के, कि राजा साहब मूवी एक्टिव हो पाएगी लोगों के साथ या फिर नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।